नमस्कार दोस्तों, टेक द टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए इंडियन रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन के जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के बुक से मैंने लिया है, वो सभी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, एनसीईआरटी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो है रोड सेफ्टी से बहुत सारे एमसीक्यू पिछले बार पूछे गए थे, इसी के लिए मैं इस बार भी ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी में ऑपरेटर का जो भर्ती होने वाला है उसमें परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है फॉर इमरजेंसी कॉल डैश फॉर एम्बुलेंस सर्विस, मतलब आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस सेवा के लिए कौन सा नंबर हम लोग डायल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 108, ऑप्शन नंबर बी में है 100, ऑप्शन नंबर सी में है 106 और ऑप्शन नंबर डी में है 9, मतलब इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 108। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज द डेज लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, मतलब भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रिक्त स्थान उसके बाद है लिखा हुआ है, मतलब कितने नंबर पे है भारत रोड नेटवर्क पे। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड और ऑप्शन नंबर डी नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेकंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेडेस्ट्रियन कैन क्रॉस द रोड, मतलब पैदल यात्री सड़क पार कर सकते हैं, उसका रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है एनीवेयर, कहीं से भी, ऑप्शन नंबर बी नियर द सिग्नल, सिग्नल के पास से, ऑप्शन नंबर सी एट जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग से, ऑप्शन नंबर डी नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जेब्रा क्रॉसिंग से। दोस्तों, अगला प्रश्न है एवरी ईयर फर्स्ट वीक ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज रोड सेफ्टी वीक, मतलब हर साल पहला सप्ताह उसके अतिरिक्त स्थान सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा महीना का पहला सप्ताह सड़क सुरक्षा के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी में है जनवरी, ऑप्शन नंबर सी में है मार्च और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच सेफ्टी डिवाइस शुड बी यूज्ड व्हाइल ड्राइविंग ए टू व्हीलर, मतलब दो पहिया वाहन चलाते समय किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हेलमेट, ऑप्शन नंबर बी सीट बेल्ट, ऑप्शन नंबर सी एयरबैग और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हेलमेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेडेस्ट्रियन शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड यूजिंग डैश क्रॉसिंग, मतलब पैदल चलने वालों को हमेशा उसके अतिरिक्त स्थान है क्रॉसिंग का उपयोग करके सड़क पार करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जेब्रा, ऑप्शन नंबर बी रोड साइड, ऑप्शन नंबर सी मेन रोड और ऑप्शन नंबर डी फुटपाथ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जेब्रा क्रॉसिंग। दोस्तों, अगला प्रश्न है मिरर इज एडजस्टेड टू सी द डैश व्यू, मतलब रिक्त स्थान को देखने के लिए दर्पण समायोजित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर बी मिनिमम, ऑप्शन नंबर सी इक्वल व्यू, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम, अधिकतम जगह को देखने के लिए दर्पण को एडजस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ड्राइविंग ए व्हीकल विथ ए परमानेंट लाइसेंस, कहने का मतलब है अस्थाई लाइसेंस के साथ वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ष। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरियाज ऑन ईच साइड ऑफ द व्हीकल आर नॉट विजिबल थ्रू द मिरर, मतलब दर्पण के माध्यम से वाहन के हर तरफ कौन से क्षेत्र दिखाई नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रंट स्पॉट, ऑप्शन नंबर बी ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्शन नंबर सी डेंजर एरिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्लाइंड स्पॉट, इसको अंधा मोड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रेड सर्कल्स इंडिकेट्स डैश, मतलब लाल वृत्त जो होते हैं वो क्या चीज़ को निर्देश देते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी सीन, क्या देखना चाहिए और नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए व्हाट शुड नॉट बी डन, मतलब लाल संकेत अगर लाल सर्कल में लिखा हुआ मतलब ये हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सिग्नल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग डैश, मतलब रिक्त स्थान है के दौरान सिग्नल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके ऑप्शन में आते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन में है स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी में है सी ट्रांसपोर्ट मूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। सिग्नल जो है वो सभी तरह के ट्रैफिक को मूवमेंट को सही तरीका से करने के लिए यूज किया जाता है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट और लेफ्ट हैंड कर्व साइन इज यूज्ड वेयर द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट उसका रिक्त स्थान है, मतलब दायां या बायां हाथ वक्र संकेत का उपयोग किया जाता है जहां संरेखण की दिशा रिक्त स्थान है। ऑप्शन नंबर ए डज नॉट चेंज माने नहीं बदलती है, ऑप्शन नंबर बी चेंजेस बदलती है, इज स्ट्रेट सीधी रहती है, और ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बदलती है, चेंजेस होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेरो एरो रोड साइन इज नॉर्मली फाउंड डेस, मतलब संकीर्ण तीर रोड साइन आमतौर पर रिक्त स्थान उसका दिया हुआ है पाया जाता है, मैंने कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है रूरल एरिया मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी इन अर्बन एरिया शहरी क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी इन सिटी एरिया, और ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण इलाकों में। नेक्स्ट फ्रेंड द फुल फॉर्म ऑफ एलएमबी इज उसके बाद खाली जगह है, मतलब एलएमबी का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म का भी रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीएल की परीक्षाओं में। और दोस्तों ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है ये सभी एनसीईआरटी का बुक से लिया गया है क्वेश्चन, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीएल की भर्ती के अलावा और भी बहुत सारे परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी है। तो आप इसे जो है वीडियो देखते देखते रिवीजन कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि लाइट मोटर व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी में है लो मोटर व्हीकल, ऑप्शन नंबर सी में है लाइट मीटर व्हीकल, और ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लाइट मोटर व्हीकल LMV। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द फुल फॉर्म ऑफ HMV इज, मतलब HMV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हेवी मोटर व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी में है हाई मोटर व्हीकल, ऑप्शन नंबर सी में है हाई मीटर व्हीकल, ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही उत्तर है हेवी मोटर व्हीकल। दोस्तों नेक्स्ट है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इज वैलिड फॉर उसका रिक्त स्थान है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस जो होती है वो कितने वर्ष के लिए मान्य होती है। ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष के लिए मान्य होती है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.techjtips.com पर जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए, और इसका आंसर की भी आपको नीचे मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों NCL की भर्ती से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो हमारे चैनल पर विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।